इंदौर कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात की और 330 कर्मचारियों के एक दिन के वेतन काटने के आदेश को वापस लेकर सीए लगाने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश शासन ने हालिया दिनों में शासकीय कर्मचारियों के लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे तक का समय किया है। शासकीय कर्मचारियों को ऑफिस में 10 बजे पहुंचना अनिवार्य है। आदेश लागू होने के बाद कलेक्टर को सूचना मिल रही थी कि कई कर्मचारी समय पर नहीं आ रहे हैं। कलेक्टर ने ऑफिस में औचक निरीक्षण का आदेश दिया था, जिसमें करीब 330 कर्मचारी अनुपस्थित थे। कर्मचारियों की लापरवाही पर कलेक्टर ने एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया था। इस मामले को लेकर शासकीय कर्मचारी संघ ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि जितने भी कर्मचारी का वेतन काटा है उन्हें कैजुअल लीव में कर दिया जाए, ताकि भविष्य में उनकी सर्विस रिकॉर्ड पर असर ना हो। साथ ही कर्मचारियों ने कलेक्टर को आश्वासन भी दिया है कि कर्मचारी राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार ही कार्यालय में पहुंचेंगे। विगत दिवस जो शासन का आदेश था कि 10 बजे सभी कार्यालय चालू हो जाने चाहिए, देखा गया था कि अभी भी इसका पालन नहीं हो रहा था, तो एक दिन औचक निरीक्षण करा के बड़ी संख्या में लगभग 300 के आसपास संख्या में जो कर्मचारी अनुपस्थित मिले थे पूरे जिले भर में, उनका एक एक दिन का वेतन काटा गया था, वैतनिक किया गया था। उस संबंध में कर्मचारी संघ ने ज्ञापन दिया है और उनके द्वारा ये बोला भी जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि सभी कर्मचारी 10 बजे उपस्थित होना प्रारंभ हो गए हैं, तो उनके इस आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करी जाए। सभी कर्मचारी आज कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, वेतन को काटने को लेकर क्या हुई चर्चा, क्या बोले सर? विगत दिनों शासन के आदेश हैं कि 10 बजे सभी कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होना है। चूँकि जिस दिन कलेक्टर साहब ने निरीक्षण कराया उस दिन काफ़ी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए थे और शासन के निर्देशनों से कलेक्टर साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि एक दिन का वेतन इनका काटा जाए। चूँकि एक दिन का वेतन काटना मतलब कर्मचारी की पूरी सर्विस में ब्रेक लग जाता है और सर्विस ब्रेक होने के बाद कर्मचारियों को काफ़ी परेशानियाँ आती है। इस कारण हमने कलेक्टर साहब से निवेदन कहा किया कि सर यदि हो सके तो इनका एक दिन का सीएल मान्य कर लिया जाए या माफ़ कर दिया जाए। कलेक्टर साहब बहुत सहृदय संवेदनशील हैं, उन्होंने कहा भविष्य में आप गारंटी लो कि ये लोग समय पर उपस्थित होंगे। चूँकि कर्मचारियों को हमने पहले ही समझा दिया था कि समय कलेक्टर साहब ने क्या शासन ने आदेश जारी किए कि 10 बजे आपको उपस्थित होना अपने कार्यालय में, तो आपको आना चाहिए। इस भविष्य में यदि आप लोग इस तरह की पुनरावृत्ति करोगे तो हम लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे। तो कलेक्टर साहब ने उस बात को मान के सहृदयता दिखाते हुए सभी कर्मचारियों को राहत प्रदान करिए। कितने कर्मचारी थे इनके वेतन काटने के? 330 कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय के सभी विभागों के 330 कर्मचारियों के वेतन काटने के कलेक्टर साहब ने आदेश दिए थे। अभी क्या कहा है कलेक्टर साहब ने? सहृदयता दिखाते हुए आश्वस्त किया है कि इसको वापस ले लेंगे। हरीश बोहत, प्रांतीय महामंत्री, मध्य प्रदेश, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।